दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम माय न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग, अजीत हिंदी ब्लॉग। तो सुबह के हो रहे हैं 8:05 और हम रेडी हो चुके हैं, क्योंकि हमें और मतलब सबको जाना है बहराइच। मेरा बहराइच में काम है। क्या काम है और क्यों जा रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। तो आज लड्डू जा रहा है नानी के घर, तो मैं भी जा रहा हूँ साथ में। तो रेडी हो रहे, मैं रेडी हो चुका हूँ, तो निकलते हैं अभी। और क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ आपको बताऊंगा आगे ब्लॉग में। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों, मैं जा रहा हूँ बहराइच, अभी निकला हुआ हूँ, आधा घंटा हो गया है और आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। तो अब आवाज़ आप क्लियर आ रही होगी, क्योंकि अब मैंने माइक लगा लिया। मुझे पता था कि बाइक चलाते समय आवाज़ क्लियर नहीं आएगी आप सबको, तो अब मैं माइक लगा लिया हेलमेट से साथ वाला। तो मैं बहराइच क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। बाकी लोग तो सब कार से जा रहा हूँ, मैं बाइक से जा रहा हूँ। और मैं बाइक से इसलिए जा रहा हूँ कि कार को वापस नहीं आना है, वो बहराइच ही रहेगी, तो इसलिए मैं बाइक से जा रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लाता रहूँगा। और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, घंटा भी दबा दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हमें जहां आना था मैं वहां पहुंच चुका हूं। चल के देखते हैं आगे, कैमरा ऑन कर दूं अपना बैक वाला। तो ये सब आए हैं भाई, क्या है देखते हैं। आप अंदर का नज़ारा देख लीजिए। और मैं यहां क्यों आया हूं, क्योंकि हमें इनवाइट किया गया है। और यहां पे क्या होगा, यहां पे आप सभी का ऑडिशन होगा। जो एक्टिंग करते हैं, डांस करते हैं, और ये ऑडिशन भोजपुरी फिल्म के लिए हो रहा है। और मैं यहाँ पर इनवाइट किया गया हूँ, मेरा भी एक काम था। और जो कि जाने पहचाने लोग हैं, डायरेक्टर हैं, जो कि हमें जानते हैं, तो आओ, क्योंकि हमारे फ्रेंड भी हैं। और एक बेस्ट फ्रेंड है जो हीरोइन बन चुकी है, यहाँ पे बैठेंगे आपके जज। चलिए फार्म वीडियो स्टार्ट होता है, तो आपको दिखाते हैं, आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। जनाब, मैंने पहली बार राजपाल साहब के पास से नहीं करता, पाप का संग तुम मरने का डर तो देता ही। लेकिन आज राजपाल साहब से सवाल मैं करता हूँ, इनफैक्ट यहाँ बैठे सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन ही कहाँ से आते हैं, हमारे दूसरे शहर पर खूबसूरती पर थप्पा लगाने के लिए चले आते हैं, कौन ही लोग? जनाब, जनाब इनका हक है जस्टिस पाने का। सर वो मैं मेगा करते हैं, क्योंकि जनाब आज पहली बार मैं राजपाल साहब की बात से नहीं करता हूँ, सड़क के समय में तो मरने का डर तो रहेगा ना। लेकिन जनाब आज मैं राजपाल साहब से बात करना चाहता हूँ, इनफैक्ट राजपाल साहब से ही यहाँ बैठे सभी लोगों से आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन ही लोग कहाँ से आते हैं, क्यों हमारे खूबसूरत शहर पर खूबसूरती पर थप्पा लगाना चले आते हैं? जनाब जानता हूँ सर, कुछ मरेंगे ना सर, कौन ही लोग कहाँ से आते हैं,
इसलिए आते हैं, हमारे खूबसूरत शहर पर थप्पा लगाने चले आते हैं। क्यों होता है ऐसा? मार देते हैं लोगों को। ठीक है, सर मैं भी करता हूँ, कंप्यूटर पढ़ाता हूँ और कोचिंग करता हूँ। कैसे कैसे हम बुलाया गया 15 दिन आपके साथ रखना चाह रहे हैं, कोचिंग का क्या होगा? सर मैंने बुला दिया है, उसमें इंक्लूड है मेरे साथ। बड़े भैया सवाल लेंगे ना, अगर हमने आपको बुला लिया बड़े भैया सवाल लेंगे, ऐसा भी नुकसान होगा। एक सर टाइम सुबह 6 बजे रहेगी, कैसे पहुँचेंगे? सर कहाँ पहुँचा रहेगा? लोकल में हो गया, दूर भी हो सकती है। सर सुबह 6 बजे के रहेगी, मैं 5 बजे पहुँचा। ठीक है, तुमने सपने मुझे अपना स्वराज दे दिया था, तब तुम्हें याद है वो? ठीक है, आज के बाद राज मेरा हुआ और संपूर्ण राज को छोड़कर तत्काल यहां से निकल जाओ, अन्यथा मैं श्राप दे दूंगा। और सर इसके बाद ये करने के बाद मैंने बैठ कर यही काम नहीं किया, वहां मैं एक्टिंग सिखाता था, करता था, ऐसे करने से मेरी दौरान प्रिंसिपल हुई। प्रिंसिपल के बाद अभी नियुति सिंह आ रही है सामने से, आप देखेंगे ये हैं, अभी भोजपुरी की नई हीरोइन बनी है, अभी हाल ही में इनकी मूवी आने वाली है और ये सॉन्ग में भी ये हैं, तो आप जानते होंगे इन हीरोइन को, पहचानते होंगे भी है, हाल ही में हीरोइन बनी हुई है इनकी, हाल ही में रिलीज फिल्म आई है भोजपुरी में। वो साइड देखिए इनको पहचाने, अब मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये अभी हीरोइन बनी है, इनकी फिल्म आई हुई है और ये हमारी फ्रेंड की मम्मी है, वो हमारी फ्रेंड है जो कि वो भी अभी इनकी फिल्म आने वाली है, जो बगल में बैठी हुई है। चलिए एक्टिंग देखते हैं हम लोग। बताया तो कोई नंबर पूछे थोड़े नहीं आते, बता दें कि 43 40 और 40 MP 25 तक। आपको क्या लगता है, ये लड़की गाना सही गा रही है, अच्छा गा रही है? और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको मैं ऐसे ही ऑडिशन दिखाते रहूँगा, डांस डायलॉग, अभी ये डांस भी करेगी ये लड़की, और सब बहुत लोग आए हुए हैं, आपको मैं सब दिखाऊँगा और नंबर बारी से आपको सब दिखाऊँगा, और कुछ का मैं गाना काट दूँगा और फुल ऑडिशन नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि फुल ऑडिशन दिखाऊँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो देखिए अभी नेक्स्ट कंटेंट आते हैं, फिलहाल ये लड़की गाना कैसी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इतना अच्छा कोई अभी परफॉर्मेंस नहीं किया है, और चलते हैं आगे और देखते हैं। देखो
रेस्टोरेंट में लंच करने और जितना प्रोग्राम था सब हो चुका है और बाकी घर पहुंच के आपको बताते हैं और चलते हैं लंच कर लेते हैं। फ्राइड राइस तो हमारा जो ऑर्डर किए थे फ्राइड राइस आ चुका है। तो शाम के हो रहे 4:30, मैंने लंच करके तुरंत ही जस्ट निकला हूँ बहराइच से। अब जा रहा हूँ मैं गोंडा।
दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ और घर आने के बाद पहले काम था, बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं बाइक से गया था तो और गर्मी लग रही थी क्योंकि एसी में दो चार रहने से, गाड़ी में एसी में रहने से आपको बाहर की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और काफ़ी गर्मी लगती थी। सबसे पहले आया मैं, नहाया, नहाने के बाद अब रेडी होके अब थोड़ा सा कूल लग रहा हूँ। तो मैं कहाँ गया था आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा, मैं गया था भोजपुरी फिल्मों के लिए, ऑडिशन हो रहा था तो ऑडिशन में हमें वो बुलाया गया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई कोई कैंडिडेट लाइए आप चार पांच। तो और फिर जो मेरे कुछ दोस्त वोस्त थे तो वो भी आए थे और हीरोइन जो बन चुकी है अभी हाल ही में उनकी मूवी आनी है भोजपुरी में और जब आएगी तो मैं आपको सभी को बता दूंगा। तो आप सभी भी मेरी फैमिली जैसे हैं तो आप भी सब कुछ आपको टैलेंट है या आप सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं, एक्टिंग करते हैं या डायलॉग कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ करना भी है आप भी चाहते हैं तो एक बड़ी फिल्म बनने वाली है भोजपुरी में। किस पे बनने वाली है? जैसे कि पुराने टाइप की फिल्म बनेगी वो भोजपुरी की जो बनने वाली है, जब भी जिसकी ऑडिशन थी तो मैं भी गया था तो मैंने कहा चलिए हो ले, इनवाइट किया गया था तो और सब फ्रेंड भी थे हमारे, उन्होंने भी कहा था आओ भाई क्योंकि तुम्हारे घर के पास ही में है और फिर मुलाकात होती भी नहीं है तो इसलिए मैं भी गया था और थोड़ा सा बैठा उठा ऑडिशन देखा, आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दूँगा और कुछ का सॉन्ग काट दूँगा ना तो कॉपीराइट आ जाएगा यूट्यूब पे। तो आप भी ऑडिशन हमारे दे सकते हैं, आपको ऑडिशन होगा तो मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूँगा वीडियो में, तो आप भी जाके अगर कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ना तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके अपना कोई छोटा से एक्टिंग का वीडियो जो आप खुद की हो, आप ये नहीं आप किसी के किसी मूवी का डायलॉग याद करके आप अच्छे से एक्टिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे वीडियो अपना एक्टिंग का, डांस का वीडियो सेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट ऑडिशन जब भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आप किस सिटी में हो रहा है, आप जा सकते हैं ऑडिशन के लिए और इसमें कोई फीस नहीं, बिल्कुल सेवा मुफ्त है, आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो आप भी इच्छुक हैं या कुछ करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं तो आप भी ऑडिशन दे सकते हैं, आप सिलेक्शन हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका टोटल एक या डेढ़ घंटा बर्बाद होता है और कुछ नहीं। आपको कुछ असल में कुछ करना है या कुछ कर रहे हैं तब भी अच्छे अच्छे लोग आए थे, काफ़ी कलाकार आए थे जो कि अच्छा अच्छा एक्टिंग किए थे, डांस की थी, मॉडल आई थी, आपको उस वीडियो में सब दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं शॉर्ट बनाया हूँ, नहीं तो पूरा ऑडिशन दिखाता। 10 बजे से 5 बजे तक ऑडिशन चल रहा था, मैं चला आया था क्योंकि मुझे काम भी था तो मैं 3 घंटे से था तो मैंने कहा आप लोग को भी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो कोई भी कुछ भी करना चाहता है तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप वीडियो बनाइए या कमेंट बॉक्स में दीजिए यूट्यूब के, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके सिटी में कहाँ पे ऑडिशन चल रहा है या कहाँ पे होने वाला ऑडिशन है। भोजपुरी में अभी एक बड़ी फिल्म बनने वाली, काफ़ी बड़ी फिल्म बनी है जिसका बजट ही कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा है, मैं काफ़ी एक्टरों को लिया जा रहा है और ज़्यादा भी हो सकता है बजट, ये तो आज बता रहे थे डायरेक्टर, कहानी भी बता रहे थे और अभी वो लोग सिलेक्शन करेंगे। आज ऑडिशन चल रहा है, 5 बजे तक चल रहा था, अब वो लोग बताएंगे किसको किसको सेलेक्ट किया है और इसमें भी हमारे कुछ जान पहचान थे, रिश्तेदार जो 3 या 4 थे और जो बन चुके हैं वो भी काफ़ी, 2 फ्रेंड थे हमारे आए थे, एक तो हीरोइन बनी है जो उसकी अभी मूवी आने वाली है, रिलीज होने वाली है, आपको यूट्यूब पर मैं बता दूँगा। और अच्छी बात है भाई, छोटे से उम्र में एक्टिंग करना है, आप सीखिए, डांस सीखिए, मैं भी कर सकता हूँ पर मेरा इतना कोई सपोर्ट नहीं है कि मैं करूँ क्योंकि मेरे फैमिली में मानता ही नहीं है। तो मेरी बात छोड़िए, मैं जहाँ पे हूँ सही हूँ, आप लोग का साथ है, आप लोग का प्यार है, तो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको खुद है। तो
काफ़ी लंबी वीडियो होने की वजह से मैं अपनी बात यहीं पे काट रहा हूँ। फिर टाइम हो रहा है 7:30 और मैं चलता हूँ अपने पुराने वाले घर पे, क्योंकि मैं 2 दिन से गया नहीं हूँ। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। तो 10:30 और हमारा डिनर आ चुका है, जो कि पुराने वाले घर से आया है। बाकी के यहाँ सब लोग चले गए हैं, तो जो भी आया है खा लिया जाएगा। और अपने को क्या पानी निकालना है, तो एक्टिंग का शौक है या कुछ भी कह सकते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे अपना वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहां पे फॉलो करिए और अपना वीडियो वहां पे शेयर करिए। कहां पे ऑडिशन होगा मैं वहां पे बता दूंगा आपको। तो अपने ब्लॉग में करते हैं ऐड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक प्लीज जरूर करिएगा, और ना पसंद आई होगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।